सो फाइनली गाइस यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितने सारे रैप्स हैं, तो इनमें से एक सिलेक्ट करके बताओ हम अपनी थार पे कौन सा रैप करवाएं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2-3 रैप्स हैं, मतलब और भी बहुत सारे हैं, पर इनमें से एक सिलेक्ट करके बताओ। ये है कॉपर, ये है गोल्डन, ये है सिल्वर। गाड़ी की लुक कुछ ऐसी लग रही है, यहाँ पे देख लो अलॉय कितने सेक्सी लग रहे हैं भाई। ये देख रहे हो जब ये चलेगी ना गाड़ी फिर पता चलेगा। बाकी गाइस जेट ब्लैक के साथ देखो कैसी लग रही है, ये देखो अंदर से, देखो अंदर से कुछ ऐसी लग रही है, बाहर से ये देखो। गाइस कमेंट करके बताना आपको गाड़ी की लुक अच्छी लगी कि नहीं लगी। यार मेरे को तो बहुत खतरनाक लग रही है, कैसी लग रही है आपकी भाई बताओ, है खतरनाक ना। सो गाइस अभी मिरर वगैरह का साइज ले लिया, ठीक है यहाँ पे देख लो उसके साइज के हिसाब से शीट काट ली है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ भाई, 10R का रैप कब करना है, कुछ आपने अपडेट ही नहीं दिया, कोई दिखाओ कोई मॉडल वॉडल। दोनों में से कोई भी चीज होगी ना, जब टैंक फुल होता है ना चलाने की वाइब ही अलग आती है, तो चलो भी जिम। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब, होप सब बच्चों को स्वागत है ऑल फिट में चैनल आलन ब्लॉग्स। तो कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, होप सब बच्चों को। तो गाइस देख रहे हो आज का ब्लॉग भी शुरू हो रहा है डायरेक्ट अपने घर से। सो गाइस अभी हम निकल रहे हैं जिम के लिए। तो गाइस आज जिम से निकल के सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इसको हमें टेंट करवाना है, ठीक है। बहुत देर से मैं डिले कर रहा हूँ, और लास्ट संडे को ना हमने संडे राइड कर दी थी, तो इस संडे को मैं सोच रहा हूँ कि हम ऑफ रोडिंग करें, वो भी खतरनाक वाली। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस संडे आप लोगों को क्या देखना है, ऑफ रोड देखना है थार पे या फिर अपने मोटर ब्लॉग देखने, ठीक है। संडे राइड देखनी है अपनी ZX10R पे या फिर ऑफ रोड देखना अपनी थार पे, तो कमेंट करके बताना। तो चलो अब इसको जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस ये होगी हमारी थार पोल स्टार्ट, वाओ। तो चलो गाइस अभी अपनी थार को पार्किंग से बाहर निकालते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज के व्लॉग में क्या होगा, पर जो भी होगा आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले हम जाएंगे जिम, जितना भी प्लान मेरे को पता है वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे जिम, उसके बाद हमें जाना है गुम्मट। गुम्मट में हमें 2-3 काम है, एक तो हमें टेंट करवाना है और बाइक के रिलेटेड भी मुझे कुछ काम है। तो चलो अभी जल्दी से निकलते हैं यार, लेट्स गो। ऐसे करके जब मैं इसको लगाता हूँ ना बहुत ईजिली निकल जाती है, तो मैंने सोचा ऐसे ही लगाऊंगा। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, यहाँ से हमें करना है राइट टर्न, पर ट्रैफिक देख सकते हो यार आप लोग कितना ट्रैफिक है। ऊपर से हमारी गाड़ी भी देखो रिजर्व पे आ गई हुई है, तो चलते हैं भाई मोड़ते। देखो ट्राला कहाँ पे बीच में लगाया हुआ है इस बंदे ने यार। आपको पता है ये रिजर्व पे भी 100-150 किलोमीटर चल जाती है यार आराम से। फुल कर दो भैया, फुल डीजल फुल कर दो। अभी अपनी थार जो करंटली एवरेज शो कर रही है वो कर रही है 12.3 की, अब मुझे पता नहीं दे रही है, पर यहाँ पे दिखाता है भाई 12.3 की एवरेज शो कर रही है। अगर ये गाड़ी 12.3 की भी एवरेज दे देना भाई मेरे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जो मेरे पास बाकी गाड़ियां ना उनकी बिल्कुल भी एवरेज नहीं है, होंडा सिटी की तो बिल्कुल भी एवरेज नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो इसका टैंक है ना वो है 57 लीटर का, तो देखते हैं अब कितने में फुल होती है। मेरे को लगता है 3500 में फुल होगी, बाकी गैस देखते हैं कैसा रहता है। ओ भाई 33 में ही फुल होगी, डालो डालो डलेगा अभी, आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, 35 कर लो कर लो। देख रहे हो पूरा 3500 का डला भाई, कोई गेस होता है ऐसे थोड़ी हूं मैं। 43 लीटर डीजल डला पूरा, तो अभी पेमेंट करते हैं। गाइस फ्यूल अप हो चुका है, और ये चीज देखने की जो खुशी होती है ना, ये सब रिलेट कर सकते हैं मेरे साथ कि कितनी खुशी होती है जब आपका टैंक फुल होता है, चाहे गाड़ी हो बाइक हो, दोनों में से कोई भी चीज होगी ना जब टैंक फुल होता है ना चलाने की वाइब ही अलग आती है। तो चलो अभी जिम के लिए निकलते हैं, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। One hour later. So finally guys, after long time, हम आ चुके हैं गुम्मट। और भाई भी की ब्रो क्या हाल है आपके, मस्त हो भाई, बढ़िया हो, क्या चल रहा है। मैंने सुना आपने गाड़ियों का भी काम शुरू कर दिया। नहीं है तो फिर गाड़ी का काम तेजी कर देंगे भाई। आज कल गाइस आज से गुम्मट में भी गाड़ियों का काम स्टार्ट हो रहा है, पर मेरी गाड़ी होगी सिर्फ। तो गाइस अभी हम करा रहे हैं टेंट, ये रहा हमारा रोल, ठीक है भाई इसमें टेंट पड़ा हुआ है, इसको रख दो यहाँ पे, हो जाओ शुरू। ये लगने में टेंट लगता है, बट जब टेंट लग जाएगी ना तो वो फील अलग है। हाँ वो पूरा जेट ब्लैक होता है, खतरनाक लगती है गाड़ी। मिरर्स को भी कर दे आगे वालों को, फ्रंट वाले को। हाँ इसको नहीं करेंगे फिर तो, फिर कहाँ गाड़ी चलेगी ये, फिर तो मुश्किल हो जाएगा काम। सब्सक्राइबर, ओ माय गॉड, इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रो, कैसे हो, बढ़िया हो, क्या चल रहा है भाई, मस्त हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। और कैसा चल रहा है काम,
सही है सर। गाइस भाई को सपोर्ट करो, भाई के पास बैठो, भाई की ऑटो में, ठीक है। क्या नाम है आपका? शाहिद। शाहिद भाई के ऑटो में बैठना सर, ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय। चैनल भी है, बोलो नाम। शाहिद प्रैंक स्टार को सब्सक्राइब करो गाइस, ठीक है भाई, टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय। देखो भाई क्या बात है, मेहनत कर रहे हैं यार लोग हमारी तरह, आप मेहनत नहीं करते हो। थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू यार। इस गाड़ी का एक चक्कर है, मैं इसको धुला के लाता हूँ ना, यार मतलब फिर इसका इलाज नहीं ना है, कोई भी कोई इलाज नहीं है, मैं इसको धुला के लाता हूँ, बाहर निकाली गंदी होगी। इलाज है वॉशिंग मशीन से सब्सक्रिप्शन ले ले अपनी, हाँ। हर रोज मैंने वॉशिंग करानी है, ठेका करो कितने महीने, ये बात नहीं बोली, महीने कितने पैसे लोगे, ठेका पहले मार लो। महीने का ठेका करना मैंने, अगर कोई वॉशिंग वाला इंटरेस्टेड होगा प्लीज मुझे डीएम करो, ठीक है। मैंने मेल भी डाली, आप वहाँ पे भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये गाड़ी यार इतनी गंदी होती है, इतनी गंदी होती है, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, ये निकलने में नहीं आ रही है भाई, बाहर निकल जाएगी। खींचो खींचो, ये चलेगी, फुल जेट ब्लैक है। सो गाइस अभी मिरर वगैरह का साइज ले लिया, ठीक है, यहाँ पे देख लो उसके साइज के हिसाब से शीट काट ली है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ भाई, टेन आर का रैप कब करना है? कुछ आपने अपडेट ही नहीं दिया, कुछ दिखाओ, कोई मॉडल वॉडल अपडेट का पता ही नहीं आपका, आपका मन है भी डेडपूल और वुल्वरीन बड़े उसमें ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, वैसा कुछ तैयार करें? गाइस आप लोगों को पता अभी अभी रिलीज हुई है डेडपूल एंड वुल्वरीन, बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, तो मैं सोच रहा था, मेरे दिमाग में आ रहा था कि वैसा कुछ रैप रेडी करते है, तो क्या बोलते हो आप, हो जाएगा? हाँ फाइनल करो ना अभी यार, कोई एक चीज फाइनल करो, फिर बंदा उस पे कर सकता है कुछ ना कुछ। हाँ हमने मुझे एक नाम बताना कि इस नाम का यार ये चीज चाहिए, सब कुछ डेडपूल का चाहिए, वो बोलोगे तो उसी पे हम वर्क करेंगे, ऐसा लोगों की मैं वर्क करूँ बाद में बोलोगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ ये ना मैं रैप मंगवा लूँ, फिर आप बोलो ये पसंद नहीं आया, ठीक है, बड़ा एक्सपेंसिव बनता है भाई 3D रैप, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या फाइनल रैप करना है, ठीक है, तो जो आप बोलोगे उसी हिसाब से हम डन करेंगे और मैं पिकी भाई को ऑर्डर दे दूंगा। सो गाइस अभी हम मॉडिफिकेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेने वाले हैं, यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हम जो अपने अलॉयज है ना इनको भी रैप करने वाले हैं, यहाँ से ना ये देख रहे हो ना इस पे पूरा रैप होने वाला है साइड से, जो कि बहुत सही लगेगा जब गाड़ी चलेगी ना रील्स वगैरह में, बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। और मैं आपको इसका बता देता हूँ, एक साइड से हमारा टिंट हो चुका है, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है, अंदर से भी दिखा देता हूँ आपको, एक साइड से हो गया, एक साइड से अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है, अंदर से पूरी विजिबिलिटी है और बाहर से आप लोग देख सकते हो, ये देखो ऐसा कुछ सीन है। अभी अभी उस साइड भी करते हो और आगे वाले दो मिरर्स भी कर देना, ठीक है, बाकी फिर अलॉय को रैप करते हैं। और भी अगर हमारे माइंड में कुछ आता ना, एक तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी लिखवानी है यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे किसी ने ना हमारा यूट्यूब का लोगो उड़ा दिया, ठीक है, वो भी लगाना है। बाकी बैक से लुक देख लो कैसी लग रही है, अभी जब इसकी रेयर लाइट्स चेंज होंगी ना फिर इसकी लुक बहुत ज़्यादा प्यारी हो जाएगी, ये लाइट्स भी चेंज होंगी, ये वाली लाइट भी चेंज होगी और ऊपर एक चीज़ लगने वाली है, ठीक है। सो गाइस अभी पीछे वाले दोनों साइड टिंट हो चुके हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अभी आगे मिरर भी कर रहे हैं, तो इसका भी मेजरमेंट लेते हैं। फ्रंट में मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें पहले भी फिल्म लगी हुई है ये आप देख सकते हो ना, पर ये बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब इसको 10% या 20% आप लोग बोल सकते हो, तो ये वाली तो आपको पता है बिल्कुल जेट ब्लैक है, देख लो। A few moments later. So finally guys, जो हमारे टेंट वगैरह है वो हो चुका है, तो गाड़ी कुछ ऐसी लग रही है, देख लो बिल्कुल जेट ब्लैक, अब इसकी लुक आ रही है। और यहाँ पे देख लो, हटो एक मिनट, यहाँ पे आगे एक काम करो ऊपर खड़े हो जाओ, बोलने नहीं दे रहा यार ये बंदा। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास ये तीन चार तेरी गाड़ी सुसू कर रही है, तुम साइड कर रहा था। सो गाइज आप लोग कमेंट करके बताओ कौन सा रैप डन करें हम अपनी थार के लिए, यहाँ पे हमारे पास दो तीन रैप्स हैं, मतलब और भी बहुत सारे हैं, पर इनमें से एक सिलेक्ट करके बताओ। ये है कॉपर, ये है गोल्डन, ये है सिल्वर, इसमें थोड़ा रेनबो भी है, एक प्रॉपर सिल्वर भी है वहाँ पे पड़ा हुआ है, ये है क्रोम सिल्वर, ठीक है, मुझे लग रहा है क्रोम सिल्वर सही लगेगा, पर ये ज़्यादा मतलब शाइन करेगा ऐसा मुझे लगता है, इन दोनों में से डन करते हैं। लगाना हमें कहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पकड़ो एक, बहुत भारी है भाई ये, यहाँ पे हमने लगाना गाइज, ये देख रहे हो ना ये राउंड में। सो फाइनली गाइज यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितने सारे रैप्स हैं, तो इनमें से एक सिलेक्ट करके बताओ हम अपनी थार पे कौन सा रैप करवाएं, ठीक है, तो इनमें से एक रैप बताओ कौन सा करवाएं। देखो गाइस सारे हमने टेस्ट करके देख ली, ये मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है क्योंकि मैंने लगा के देखा था, तो मैं सोच रहा हूँ यही फाइनल करते हैं, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। लुक के हिसाब से क्रोम ज़्यादा बेटर रहेगा, हाँ गाड़ी के लुक के हिसाब से ना क्रोम ज़्यादा बेटर रहेगा। गाइस अभी हमने लगाए थे गोल्डन भी, मैंने लगाया था गोल्डन तो बहुत ज़्यादा छपरी लग रहा था, बाकी दूसरा मैंने लगाया था वो एक और था ना यहाँ पे ऐसा मिलता जुलता, वो भी सही नहीं लगा, डाल दो अंदर ही डाल दो, ले जाऊंगा मैं घर। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा था, मैं मजाक थोड़ी कर रहा था, आगे किसी ना किसी में लगा ही देते, बहुत सामान है अपने पास। बाकी गाइस जेट ब्लैक के साथ देखो कैसी लग रही है, ये देखो अंदर से, देखो अंदर से कुछ ऐसी लग रही है, बाहर से ये देखो क्या। सो गाइस अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रैप का काम चल ही रहा है, ठीक है, यहाँ पे अंदर मैंने डिसाइड किया कि क्रोम कर रहे हैं, अभी करके देख रहे हैं, अगर एक अच्छा लगेगा ना तो हम कर लेंगे, तो
अभी क्रोम रैप हो रहा है अपनी थार के ऊपर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये देखो भाई ऐसी कुछ लुक आ रही है। और एक हमने ये सैंपल रेडी किया हुआ है, ये बताओ भाई कैसा लग रहा है, देख रहे हो। एक तो ये रात को भी चमकेगा और जब ये गाड़ी मूव करेगी ना तो बहुत ही अच्छी लुक आने वाली है। एक हमने ये किया, एक हम पूरा क्रोम कर रहे हैं, तो देखते हैं दोनों में से जो बेटर लगेगा ना वो कर लेंगे। तो अभी इसको रेडी होने दो, ये ज़्यादा टाइम टेकिंग है यार, क्योंकि इसमें पूरा क्रोम हो रहा है, देख सकते हो आप लोग। 2000 years later. So guys, अभी यहाँ पे शाम हो चुकी है और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे अभी भी काम लगा ही हुआ है, ठीक है। आगे से मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। फाइनल लुक तो अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी, फाइनल लुक मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगा। बाकी गाड़ी कैसे लग रही है, ओ भाई साहब ये क्या हो गया इसको, ये देखो ये सब वीडियो में कैसी लग रही है, ये क्या चक्कर भाई, ये क्या ये कुछ खतरनाक लग रही है। अच्छा मैंने फ्लैश ऑन किया यार, इधर आओ। गाड़ी की लुक कुछ ऐसी लग रही है, यहाँ पे देख लो अलॉय कितने सेक्सी लग रहे हैं भाई, ये देख रहे हो। जब ये चलेगी ना गाड़ी फिर पता चलेगा इसने, हाँ किसने बोला ये करके, देखो क्या खतरनाक लुक आ रही है। गाइस कमेंट करके बताना आपको गाड़ी की लुक अच्छी लगी कि नहीं लगी। यार मेरे को तो बहुत खतरनाक लग रही है, कैसी लग रही है आपकी भाई बताओ, है खतरनाक ना, वाह भाई। तो कल के ब्लॉग में बाकी हम आपको बताएंगे, इसका अपडेट देंगे सारा, ठीक है। बाकी अभी जेट ब्लैक हो चुकी है, ये देख लो पूरी जेट ब्लैक हो चुकी है गाड़ी, ये देखो कुछ नहीं दिखेगा आपको अंदर, यहाँ से खोल के भी दिखा देता हूँ मैं आपको, अंदर से फुल जेट ब्लैक हो चुकी है। ये आगे वाले मिरर भी जेट ब्लैक हो चुके हैं, पीछे से भी जेट ब्लैक हो चुकी है गाड़ी, ऐसी कुछ लुक है, ये देख लो भाई आप लोग। तो चलो भाई अभी इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, क्योंकि अभी मुझे ब्लॉग एडिट भी करना है। तो भाई ये था आज का ब्लॉग, होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और कैसे आपको ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी बनी है। तो चलो यार मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय गाइस। और गाड़ी कैसी लग रही है कमेंट करके बताओ।